नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न वृत्त से। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है, यानी कि अनुपात दे देते हैं, अनुपात पूछा है तो, और व्यास होता है 2r। क्या होता है व्यास, 2r होता है। तो आपका ये दो और ये दो कट जाएगा, और फिर ये r और ये r कट जा, तो आपका क्या बचा, यहाँ सिर्फ पाय बचा और अनुपात इधर कुछ नहीं तो एक बचा, तो पाय अनुपात एक, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा प्रश्न है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात है। तो वृत्त की परिधि आप सभी जानते हैं 2πr अनुपात, और त्रिज्या यानी कि सिर्फ r, तो आपका यहाँ पे क्या कट जाएगा, r r कट जाएगा, और बचा क्या, 2πr अनुपात न कुछ तो एक, तो 2πr अनुपात एक आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो परिधि पूछा गया दोस्तों, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी r, त्रिज्या बराबर यानी r कितना हो जाएगा, 7/2। तो हमें क्या पूछा गया है, परिधि, तो परिधि मतलब जानते हैं, मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, और इसका r का मान कितना दिया गया है, 7/2। तो ये 7 और ये 7 कट गया, और ये 2 कट गया, तो बच गया कितना आपका, 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है। दोस्तों दो क्या है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाय आर स्क्वायर। तो यहाँ दो है, तो हम इसे मान लेंगे आर वन, और फिर बटे में पाय आर स्क्वायर आर टू, क्योंकि दो वृत्तों के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाय आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाय आर स्क्वायर वन और पाय आर टू स्क्वायर, बराबर में हमको क्या दिया गया है, 4:1, यानी कि बटे में एक आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, ये पाय और ये पाय कट जाएगा, तो आपका आ गया आर स्क्वायर, यानी कि आर वन आर स्क्वायर और आर टू का आर स्क्वायर बराबर 4/1। तो हम ऐसे कक्षा 8 में पढ़े थे कि ये घात को ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आर वन बटे आर टू पे होल स्क्वायर, यानी कि होल पावर, तो इधर हो जाएगा 4/1। अब इस पावर को, यानी कि स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, यानी कि आर वन बटे आर टू बराबर रूट अंडर 4/1। तो आपका आ जाएगा आर वन बटे आर टू बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आर वन अनुपात आर टू बराबर 2:1, तो आपका आ जाएगा 2:1। कहाँ है 2:1, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो दोस्तों पूछा गया इसमें कि एक वृत्त जो है उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो वृत्त का परिमाप कितना, यानी कि परिमाप यानी कि वही हो जाएगा परिधि, तो क्या आ जाएगा, टू पाई आर बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो है कि पाई और ये पाई कट जाएगा, और टू और आर बराबर ये हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर है तो डबल आर कर देते हैं, तो यहाँ पर एक आर और कट जाएगा, यानी कि बराबर आर बराबर, तो क्या पूछा था, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो 2 आ गया आर बराबर, यानी कि 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। तो अर्धवृत्त का परिमाप अगर आप सभी जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है आपका, यहाँ पर देखिए, होता है पाई आर प्लस 2r होता है। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r होता है। तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस 2 बच जाएगा।
तो अब हमको यहाँ पर बैठाना है यानी तो इसी के बराबर यहाँ परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है, क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप ये टोटल हो गया, इसी के बराबर 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर और पाई का मान बैठा देंगे 22/7 + 2 यानी कि इधर बराबर लिख देंगे, इसके बराबर टोटल दिया गया हमको कितना 36 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर बराबर दीजिएगा, फिर यहाँ आर ब्रैकेट शुरू और फिर लिखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो होगा आपका इधर डायरेक्ट आप कर दीजिए 7 × 2 = 14, 14 × 22 कितना हो जाएगा 36, 36/7 और फिर इधर बराबर दे करके 36। तो ये अब गुणा करिएगा तो आर 36/7 बराबर इधर आपका 36 है। तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, तो ऊपर ऊपर ये कट जाएगा तो आपका आर 7/8 बराबर इधर नहीं कुछ तो एक, तो कोना कोनी नहीं कुछ तो कोना कोनी गुना कर दीजिए तो आर बराबर 7 हो जाएगा। तो आर बराबर 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आपको क्षेत्रमिति का सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, हम लिख रहे हैं, अगर आप जान रहे पहले तो बहुत अच्छी बात है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, तो यही 2πr यानी कि परिधि ही दिया है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 का मान 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 और गुण हमको क्या पूछा है, त्रिज्या ही पूछा है, यानी कि r पूछा है, तो बराबर r रहेगा और 88 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे यानी कि इन दोनों को जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 22 × 2 = 44 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को गुना करने के बाद तो 44 × 2 = 88, तो ये पूरा कर गया तो आपका आ गया आर 7/2। तो ये कोना नहीं कुछ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, नहीं कुछ नीचे 1 है, कोना कोनी गुना, तो आर बराबर 7 × 2 = 14, तो आर बराबर 7 × 2 = 14 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा या है, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। तो दोस्तों हमें दिया गया है परिधियां, तो जानते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, तो दो वृत्त है तो इसको पहला 1 मान लेंगे और दूसरा फिर 2πr, तो ये अनुपात में ही है, इसको 2 मान लेंगे, बराबर में इधर 3:4। तो हम देख रहे हैं कि 2π खत्म, तो r यानी कि r1 बराबर हो गया आपका कितना 3 हो जाएगा और r2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हमको पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल होता है πr² क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², यदि πr² बटे ये 1 हो गया और फिर πr² ये हो गया आपका दूसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे ये पाए पाए खत्म, तो हमें यानी कि 1 यहाँ पे बैठा देंगे, r1 जो है कि 3 है, तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे स्क्वायर, अब बटे में r2 4 है तो 4 बैठा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 3 का, और ये 16 हो जाएगा, तो आप इसे 9:16 यानी कि इसको 9:16 में लिख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, तो दोस्तों वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि जो होता है आपका 2πr होता है, तो यही परिधि हमको कितना दिया गया 132, तो बराबर में 132 लिख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 रहेगा और पाए का मान 22/7, तो पाए का मान 22/7 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा गुना आर, क्योंकि त्रिज्या पूछा है, आर ही पूछा है, और बराबर इधर हो जाएगा आपका 132। अब दोस्तों इसको कटा दीजिए, यानी कि ये जो है कि 22 × 2 = 44 कट जाएगा, ये 44 कट जाएगा 3 बार में, और फिर बच जाएगा आपका आर 7/3, नहीं कुछ नीचे 1, कोना कोनी गुना होगा तो कोना कोनी गुना कर देते हैं, आर बराबर इधर 3×7 = 21, तो 21 सेंटीमीटर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है।
यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है और दो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है π r² ये हो गया एक यानी कि r1 को मान लिया एक, दूसरा होता है π r² यानी कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है तो दोनों सेम है, इसको r1 इसको r2 मान लिया बराबर आपका 4/25 दिया गया है तो ये पाई और ये पाई कट गया तो आपका पास बच गया क्या यानी कि r1² / r2² बराबर 4/25। तो इसे स्क्वायर को हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका कक्षा 8 में पढ़े होंगे, घात को क्या करेंगे ऊपर, घात को क्या करेंगे ऊपर यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा तो 4/25 यानी कि अब ये r1/r2 बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 4/25। तो इसका मान निकल जाएगा r1/r2 बराबर हो जाएगा 4 × 2 और इसका 5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं r1/r2 बराबर 2:5 तो आपका हो जाएगा 2:5 ऑप्शन नंबर सी सही। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² है तो इसकी परिधि क्या होगी। तो दोस्तों क्षेत्रफल हमको दिया गया है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है π r² होता है तो यही क्षेत्रफल के बराबर 154 है तो हम यहाँ पे 154 लिख दिए। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान तो नहीं दिया था तो r रहेगा ही r² बराबर इधर हो जाएगा आपका 154। तो ये हो जाएगा आपका 7 बार में 7 × 2 = 14 बाकी है फिर 7 × 2 = 15 यानी कि 7 बार में ये कट जाएगा इससे। अब आपके पास क्या बच गया r² / 7 = 7 तो कोना कोनी गुना हो जाएगा ये निकने कुछ इसके चेक है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा तो r² = 7 × 7। अब स्क्वायर को उस पार कर देंगे तो ये रूट में आ जाएगा 7 × 7 तो r = कितना हो जाएगा 7 क्योंकि ये रूट निकलेगा जोड़ा लगा करके क्योंकि इसमें 2 छुपा हुआ है तो जोड़ा लगा करके 7 बार आ जाएगा r = 7 हो गया। अब हमको पूछा क्या है परिधि तो परिधि क्या होता है 2π r होता है परिधि तो 2×22/7×r का मान कितना आया 7 तो ये 7 कर गया तो 22×44 तो ये 44 cm आ गया 44 cm आ गया आपका उत्तर नंबर 3 सही है। प्रश्न है 7 cm व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा है। 7 cm व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल पूछा गया है आपका ऑप्शन दिया गया है तो त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा व्यास है ये तो क्या हो जाएगा 7/2 ये त्रिज्या हो जाएगा आपका तो त्रिज्या हो गया 7/2 तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है π r² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है π r² तो पाए का मान 22/7 × r का मान कितना दिया गया है 7/2 तो 7/2 क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 7/2 तो 1 7 कट गया फिर यहाँ पे कट जाएगा 11×2 = 22 ये कट गया। अब ये इसको गुणा कर दीजिए 77/2 आपका कहाँ आंसर है तो आपका है ऑप्शन नंबर सी। यह तो फिर आपको पॉइंट में पूछ सकता है 38.5 हो सकता है दोनों लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है।